सो इसका प्रोग्राम किस तरह से बनेगा? कल मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में क्या होगा, 0001 आएगा, फिर उसके बाद आएगा G17, G21, G90, G94, G55, ठीक है। G55 किसके लिए यूज होता है? अच्छा, सर ऑफसेट के लिए सर। क्या होती है ऑफसेट? ऑफसेट हम किसके लिए देते हैं? ऑफसेट क्या चीज होती है कि हाँ, टूल को पता होना चाहिए कि मेरा वर्क पीस कहाँ खड़ा है, ठीक है ना, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका डायमेंशन क्या क्या है। तो वहां पे हम उसकी एक्स वाई और जेड एक्सिस पे उसको टच लेके उसकी वैल्यू फीड कर देते हैं, तो उसको कहते हैं हम ऑफसेट, ठीक है। हमने कल यहां तक बनाया था प्रोग्राम Y0, ठीक है, यहां तक हमने कल प्रोग्राम बनाया था। अब इसके आगे कैसे चलेंगे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, हमने टचिंग ली थी ये तेरे को पता है, फिर हमने Z-2 को कट दिया उसको। So, यहाँ पे हमने 2 mm की कटिंग दी, अभी मेरे को 10 mm तक जाना है, तो हम प्रोग्राम क्या बनाएंगे, यहाँ पे अगेन करेंगे Z-4 और सेम चीज रिपीट कर देंगे 5 बार, ठीक है। अब Z-4 कहाँ कहाँ जाएगा, X100 में जाएगा, फिर Y100 में जाएगा, ठीक Y100 में है, जाएगा सर, X0 में जाएगा, Y0 में जाएगा, Y0 में। ठीक है। इसके बाद अगेन Z-माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा सर। और फिर क्या हो जाएगा, X100, Y100, X0, Y0, ठीक Y0 है। इस तरह से तुमने रिपीट करना है सारा प्रोग्राम और अप टू द 20 तक बनाना है, और 10 तक उसकी डेप्थ काटनी है तुमने, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, G0 Z100, मैंने 6 mm तक काटा इसको, तूने 10 mm तक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, हाँ जी सर। G0 Z100, M05, सर ये जो Z-6 तक ही करना था सर। नहीं, ये मैंने तेरे को Z-6 तक तेरे को एक पैटर्न बना के दे दिया कि यहाँ पे किस तरह से कटिंग करेंगे, तो आगे इसके जितने मर्जी कटिंग करता जाए। तेरे को मैंने 10 mm तक बनाने को बोला था, तू अब 10 mm तक इसको कंप्लीट करेगा कुछ, ठीक है ओके ना। ओके सर। हाँ -6 तक कटिंग की है, -10 तक तूने कंप्लीट करना है, कुछ जी, हाँ जी। इसमें डाउट? नहीं सर। सो एक प्रोग्राम और बनाएंगे हम, मैंने इसको 8 mm तक कट कर दिया। अब ये वाला प्रोग्राम हमें बनाना है, ठीक है, 100x100 का ब्लॉक है और सेंटर से मैंने ये करना है, मेरे को कितना कट करना है इसको, 8 mm कट करना है, ये इसकी डायमेंशन है कितनी, 8 mm, तो 8 mm मेरे को कट करना है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम किस तरह से बनेगा, समझना ध्यान से, एक बार में क्या करेगा वो, यहां से लेकर यहां तक कट करेगा, हाँ जी सर। फिर वापिस जब आएगा फिर दोबारा कट करेगा, खाली तो नहीं लेके आऊंगा उसको मैं वापिस, हाँ जी सर। समझ गया ना। एक बार में मैंने 2 mm कट किया, फिर यहां से वापिस -4 होगा, -4 फिर यहाँ पे वापिस आएगा, फिर मैं -6 करूंगा, फिर वहां पे जाएगा, फिर -8 करूंगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ इसका जी सर। कंसेप्ट समझ आया? सर एक बार दोबारा समझा दो। देख क्या होगा, मैंने यहां से कटिंग करनी है। अब उसकी पोजीशन हमने सबसे पहले क्या ली थी, 0 0 ली थी, जो पिछला प्रोग्राम बनाया था। तो अब ये मेरी लेंथ कितनी है, 100 की है, तो अगर मैंने यहाँ पे कटिंग करनी है तो टूल मेरा कहाँ पे आएगा, 50 पे आएगा, 50 0 पे, 50 0 पे आया, तो मैंने 2 mm का कट दिया, -2 किया, तो टूल मेरा कहाँ चला गया, Y100 पे चला गया, ठीक है। और Y100 पे जाने के बाद फिर इसने क्या किया, फिर ये किस पे आया, Y0 पे आ गया, -4 किया इसने, कुछ आया समझ, हाँ जी सर। क्या समझ आया? सर पहले उसे हमने X50 पे आएगा सर, सर हाँ वहां से फिर -2 देके सर फिर हमारा टूल चले जाएगा सर Y100 पे और ठीक है। X0 हो जाएगा सर। हाँ इसमें देखो प्रोग्राम किस तरह से बनाएंगे हम, ये प्रोग्राम बनेगा हमारा, ठीक है। तो G17, G21, G90, G94, G55, ये टूल्स आ जाएंगे, T01, M06 आ जाएगा, ठीक है, G0, X की पोजीशन आ जाएगी कितनी, 50, Y आ जाएगा 0, 50 0। ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा, दो मैंने टूल ऊपर रखा, G1 Z0 मैंने टचिंग ले ली, ठीक है, Z- मैंने क्या किया, 2 mm किया, और पोजीशन क्या आ जाएगी अभी, Y100, ठीक है। अब ये टूल जो है वाई Y100 हंड्रेड में कहाँ गया, यहाँ से यहाँ पे कट कर दिया इसने 2 mm को, यहाँ पे ठीक आएगा। है। अब वापिस जब आएगा फिर 2 mm एक्स्ट्रा कट करेगा, ये खाली तो नहीं आएगा टूल वापिस, हाँ जी सर। तो उसके लिए मैं हाँ क्या जी सर। करूंगा, यहाँ पे Z-4 करूंगा,
फिर उसके बाद क्या करूंगा, अगेन y0, टूल वापस आ जाएगा y0, इसलिए क्योंकि हम एब्सोल्यूट में काम कर रहे हैं, तो ओरिजिन मेरा यही है x100, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आके y0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ 4 mm तक कट किया है, अभी तूने 8 mm इसको कंप्लीट करना है। दो प्रोग्राम हो गए तेरे लिए, एक तो ये 10 mm कंप्लीट करना है और एक ये वाला कंप्लीट करना तुझे। तो यहाँ पे y0 में कर दिया हमने, उसके बाद क्या हो जाएगा, g0 z100 हो जाएगा, फिर m05 m09 किस लिए होता है, m09 किस लिए होता है सर पता नहीं, m09 भूल गया, m08 किसके लिए यूज होता है, कूलेंट ऑफ होता है कि कूलेंट ऑन होता है। चल ठीक है, फिर मेरे को कल बताना है ये कूलेंट ऑफ होता है कि ऑन होता है, कल दोबारा पूछूंगा मैं। ये कोड्स धीरे धीरे याद हो जाएंगे, कोड्स इम्पोर्टेंट है, साथ साथ में कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी कुछ याद हो गए हैं, तो कुछ और याद होंगे तो कल फिर मैं पूछूंगा दोबारा से ये स्टार्टिंग में। तो आज की क्लास ओवर करते हैं।